तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर का एरिया ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है। अभी ये स्केलेटन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। अब ये नया आ गया, काफ़ी बड़ा है, पता नहीं इसे कैसे मारेंगे। पत्थर भी फेंकता है ये। ये शायद देख नहीं पाता है, देखो ढूंढ रहा है। अरे हट जा विलियम, चलो फिर कोशिश करते हैं। क्योंकि ये पहली बार आया है तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। बाद में ये लोग भी इजी लगने लगेंगे। तो इसके पीछे जाके मारेंगे, जब भी जंप करे इसके पीछे चले जाना है। चलो ये हमारा पहला बड़ा टारगेट हमने मारा है। टाइजिन साके, पता नहीं क्या क्या चीजें मिल रही है यहाँ पे। वन आई ओनी, तो ये यही था बड़ा टारगेट जो था वो। कितना भी उछल कूद कर ले लेकिन हमसे थोड़ी जीतेगा। अब रेवेनेंट की स्ट्रेटेजी तो हमें समझ में आ चुकी है। तो वो एरिया हमारा खत्म हो गया। ये देखो ये कहाँ से आ गया। ये साइड हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ कुछ नहीं है अभी। ये जो रास्ता हम यहाँ से जो आए थे वहाँ पे कुछ है वो हम बाद में लेते हैं, पहले इसका गुस्सा शांत कर देते हैं। फटाफट वो ले लेते हैं।
थोड़ा अंदर आ जाते। देखो डराता है, मैं इतना भी डरा ले, हम थोड़ी डरने वाले। देखो कितना तेज भाग रहा है वो। आ गया वो, वहाँ जा रहा है। चलो छोड़ो, तब तक हम अपना काम करके निकल जाएंगे। अरे बच गए। तो पर्पल कलर की चीज मिली है, पियर मिला है हमें पर्पल। लेवल तो लो है। कुछ काम का नहीं है तो अभी आगे बढ़ते हैं। रेवेनेंट, जहां देखो वहां रेवेनेंट है। इनके लिए स्पीयर अच्छा है, इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। क्योंकि ये हाई लेवल के होते हैं, अपने से ज़्यादा ऊपर होते हैं, ये इनका डैमेज भी बहुत कम होता है, और वो जो हमें मारेंगे वो थोड़ा काफ़ी डैमेज हो जाता है। ये हमेशा नाराज ही होता है, घुमाते रहता है बस। लेकिन इनका एक फटका काम खत्म अपना। इसका स्टेमिना हमने हटा दिया। यहाँ पे बाद में जाते हैं, पहले नीचे वाले जितने भी है उन्हें खत्म करेंगे। तू काहे इतना दुखी है? इतनी बड़ी बॉडी में पत्थर का कुछ असर ही नहीं हुआ होगा उसे। बस आजा, अब तू आजा अकेला। अंधे कर देते इसे, अंधा कर देते। ये युकाई राम जो क्रिएट कर देते हैं बहुत फास्ट, यहाँ पे स्टेमिना बहुत अटक जाता है। चलो इसका काम भी हुआ। ये कुसारी गामा है, अभी यहाँ पे बाकी है।
ये वाला बाकी है, यहाँ जाना है हमारा। ये क्या आ गया नया? अरे रुक जा, क्या कर रहा है ये? बहुत तेज है ये। अरे पूरा स्टेमिना खा गया इसने। बहुत भगाया इसने। ये अंदर क्या छुपा के बैठा रहे? तो ये कोडामा है यहाँ पे। एक्स वाले इजी होते हैं थोड़े। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हो गया, यहाँ हो गया। अब सिर्फ ये यहाँ कहीं रास्ता था वो हमारा बचा है, ये वाला। कौन है यहाँ पे? अरे पीछे क्या कर रहा है तू? कोई नहीं है तो यहाँ कोडामा, और एक कोडामा है। तो ये मिशन के हमें पूरे कोडामा मिल चुके हैं। साइड में मैसेज आ रहा है, लेफ्ट साइड। अब सिर्फ ये बचा है। ये तो वही है, वन आई वो नहीं। के पिछवाड़े पे ही वार करेंगे। अरे विलियम हट हट। अब यहाँ क्या कर रहा है वहां पे? कूदी कूदी खेलता है। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बैट सिया लटक रहा है। एंटी पैरालिक नीडल। तो ये बॉस फाइट है। तो यहाँ पे 100% बॉस फाइट लग रही है। तो चलो हम देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑफ स्क्रीन एक बार गेम सेव कर लिया है, क्योंकि अगर बॉस फाइट है तो कोई रिस्क नहीं लेते हैं। और हमें जो एंटी पैडल, ये हम
अरे यूज़ करना है ये तो, ये भी मिला हुआ है, ये भी यूज़ कर लेते हैं। स्किल पॉइंट हमारे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम ये पैरालिसिस वाला लेते हैं। और स्टोन की अभी ज़रूरत नहीं है, एम्यूलेट कोई भी यूज़ करते हैं, लाइटिंग वाला यूज़ कर लेते हैं। बाकी स्पिरिट तो है ही हमारे पास। और वीकनेस वाला भी हम टेस्ट कर लेते हैं, वो इसमें क्या है। वीकनेस टैलिस्मैन कहाँ गया, तो शायद हमने रेडी जिट्सू में सिलेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है चलो बाद में देखते हैं। काफी डरावना मंजर है। तेरी ये पैरालिटिक अटैक करती है, एक ये अटैक है और ये लात भी मारती है और छतरी भी है इसके पास। ये छतरी निकाली इसने, इसे आसान तरीका कैसे मारेंगे। हर तरह से इसके पास भी जाने में रिस्की है, कुछ तो होगा। ये क्या कर रही है रे, अरे फंस गए। एम्यूलेट यूज किया है हमने, शायद इससे कुछ फर्क पड़े। चिट बहुत तेज है ये, फिर कोशिश करते हैं, सीधा वहीं पे जाएंगे। हमारा लाइटिंग एम्यूलेट भी बर्बाद हो गया। यहाँ पे ये मैं स्कीप कर दे रहा हूँ वीडियो, इसकी रेंज भी काफी लंबी चौड़ी है। अबे रुक जा, क्या कर रही है, बच्चे की जान लेगी क्या।
हट विलियम हट, बच गए। हमारे पास स्पिरिट पावर भी है, हम एक बार यूज करते हैं इसके सामने क्या होता है। अरे ये क्या कर रही है, खून पी लिया इसने अपना, पावर भी वेस्ट हो गया। उठ जा, क्या कर रहा है, अभी हवा में उड़ने भी लगी। हट विलियम, बहुत डिफिकल्ट वाला है। इसे दो फटके मारो और भागो, ये देखो फिर पकड़ने आए। हट विलियम हट, विलियम थोड़ा शांत रखना, आराम से एक दो तीन भागो। एक दो तीन आगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एंटी नीडल हमने यूज किया है, एंटी पैरालिक नीडल। एक दो चलो परफेक्ट। मोटो से पता नहीं जापनीज अपने को समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, हम ख़त्म करते हैं मिशन, गो फॉरवर्ड। काफ़ी बढ़िया बॉस फाइट रहा, आगे भी ऐसे इससे भी मजबूत वाले बॉस मिलने चाहिए तो मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में दोनों बॉस मिले बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, आगे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉस मिलेंगे। मेरा नसीब अच्छा था कि पहला वाला फर्स्ट ट्राई में हो गया, यहाँ पे हमें दो बार कोशिश करनी पड़ी। उसी
हमें नया स्पिरिट मिला है, हम बारी बारी हर स्पिरिट यूज करेंगे, एक बार चेक तो करेंगे कौन सा स्पिरिट क्या करता है। せいで父上は天下より引き離されたのじゃ。家康殿と共に打ち果たしてくれん。長政、聞かえぬか。客人がおられる。I don't have time for this. Calm down.Everything has been taken care of. अब बेवड़े हो चुके हैं यहाँ पे। कांबे दोनों में हितों का वारी。妖怪が仕業と分かっておりましたな。और एक स्पिरिट दिखा हमें। ये स्पिरिट इस लड़की का है जो काफी खूबसूरत है।金の髪の侍、妖怪より珍しいわね。半蔵様に伝えて、筑前橘が寮にてあやかしの変ありと。Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey! ये लोग कचरा कर दिया इसने। I am no samurai. So I come on drunk. Even worse. सही बोल गई। तो दोस्तों हमारा मिशन कंप्लीट हुआ और कुछ चीज़ें मिली हमें रिवॉर्ड में। तो आज का एपिसोड हम यहीं तक रुकते हैं। अगला एपिसोड में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा।